बहावल अगर वाक्य पर पंजाब हुकूमत ने ते तहकीक़त के लिए ज्वाइंट इक्वायरी टीम कायम कर दी तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक बहावल नगर वाक़ा सोचनाक है इस वाक्य के हक जानने और जिम्मेदारी का तयन करने के लिए महकमा दाखिला के साथ दीगर सिक्योरिटी दानों पर मुश्तमिल्क्री टीम तश्ील दी गई है तर्जुमान के मुताबिक मुफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्स के दरमियान मौजूद इतिहाद और ताबन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि बहावल नगर वाक्य के बाद सोशल मीडिया पर इधारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई दोनों इधारों ने मुश्तर लिया कलदम तंजीम के दरमियान टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है एसओपी को फॉलो ना करने की वजह से वाक पेश आया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान कानूनी तकाजों को पूरा किया जाएगा बहावल नगर का वाक्य हुआ और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान बदतमीज़ी किया गया जैसे खुदा खास पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की पुलिस के दरमियान कोई टकराव की इदारों के दरमियान में सूरत हाल पैदा हो गई है इसका फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और आर पी ओ बावलपुर ने लोकल आर्मी की कमान के साथ उस इलाके का दौरा किया कुछ वीडियोज़ को सियाको सबाक के बगैर भी पेश किया गया पुरानी वीडियोज़ भी लगाई गई अनकनफर्म न्यूज़ का तांता बांध दिया गया हमारी रेड्स के ऊपर और हवालात के अंदर एसओपी और प्रोटोकॉल को फॉलो ना किया गया मीटिंग की गई पाकिस्तान जिंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के दोनों ने इकट्ठे नारे लगाए दोनों इदारे अपने अपने डिपार्टमेंटल एक्शन का आगाज कर चुके हैं जहां जो गलत होगा और कानून को हाथ में लिया गया होगा या एसओपी को तोड़ा गया होगा उस